संसद की सुरक्षा में चूक पर दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। संसद में सेंधमारी की घटना को अंजाम देने में महेश नाम का शख्स भी शामिल था। आरोपी ललित झा ने महेश के साथ थाने में सरेंडर कर दिया है। जानकारी मिल रही है, अब आपको बताएं कि जो पूरी घटना रही उसमें महेश दरअसल है कौन, इसका किरदार क्या है, ये है कौन आरोपी महेश भी इस पूरी घटना को अंजाम देने में शामिल था। ललित झा के साथ उसका दोस्त है ये, और जो साजिश रची गई उसमें महेश का बड़ा रोल रहा है ललित झा के साथ। तो महेश जो है वो राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, जो मजदूरी करता है, और महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात होती थी और इन सब की मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब पेज पर हुई थी। तो देखिए ये जो महेश नाम का ये जो मुख्य आरोपी है इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है, इससे भी पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। तो संसद की सुरक्षा में सेंध से जुड़ी इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, जिसमें कि गिरफ्तार पांचवा आरोपी ललित ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उसने दावा कर दिया कि चार आरोपियों के फोन्स जो मेरे पास थे मैंने जला दिया उसको। जानकारी के अनुसार ललित के पास ही चारों आरोपियों के फोन्स थे, उन फोन्स को लेकर ही वो फरार हुआ था। देखिए पूरी घटना की मोबाइल में रिकॉर्डिंग की गई थी। ललित झा को बीती रात ही दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। आज ललित झा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ललित की रिमांड मांगकर उससे पूछताछ की जाएगी। और इससे पहले देखिए बाकी के जो मुख्य चार आरोपी हैं उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया था। उनकी रिमांड मांगी गई थी 15 दिन की, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस को रिमांड दी। और बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं, संसद की सुरक्षा में जो सेंध का मामला उसमें अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। पहला खुलासा, ललित झा ने चारों आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए। दूसरा बड़ा खुलासा, सबूत नष्ट करने के लिए मोबाइल जला दिए गए, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। तीसरा खुलासा, नागौर में महेश ने ललित को शरण दी। ये तीसरा खुलासा संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई, 10 खुलासों में चौथा खुलासा, पूरी घटना में महेश की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। पांचवें खुलासे की अगर बात करें तो चीन में बने स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया गया था, इसे लेकर ही ये आरोपी संसद के अंदर दाखिल हुए थे। छठा खुलासा, संसद में चले स्मोक क्रैकर से खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था सांसदों को, क्योंकि सांसदों को सांस लेने में समस्या हो सकती थी। आठवां खुलासा, चीन में बने स्मोक क्रैकर्स पर चेतावनी लिखी गई। और साथ ही साथ जो अगला खुलासा हम करेंगे उसमें जो बंद स्थान है उस बंद स्थान में क्रैकर नहीं जलाने की चेतावनी इसमें शामिल थी। और दसवां खुलासा आपके सामने, जिसमें स्मोक क्रैकर से जान का खतरा संभव था। ये के करके सभी अपडेट्स हमने आपको बताए और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तीन बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आरोपी ललित ने जो बड़ा खुलासा किया है, फोन जला दिए गए हैं और ऐसे में चार आरोपी के जो फोन थे उसी के पास थे, और उसने खुलासा किया है कि उसने उन चारों आरोपियों के फोन को आग के हवाले कर दिया। तीन तस्वीरें आपके सामने, चार आरोपियों के फोन को जलाया, एक कबूला है ललित ने। और इस खबर पर बात करते हैं, विक्रम दास हमारे साथ हैं जो कि कोलकाता से रिपोर्ट कर रहे हैं, नीरज गौड़ हमारे साथ हैं जो कि इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। नीरज, सबसे पहले जो कबूलनामा सामने आया है ललित का, उसमें इस बात को कबूला कि देखिए मैंने सारे आरोपियों के फोन्स को जला दिया, इन फोन्स को जलाने के साथ ही जो पूरी कार्रवाई रही होगी, जो रिकॉर्डिंग्स थी जांच में आगे किस तरीके से वो हैम्पर होने वाली है, प्रभावित होने वाली है, ये बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस पूरे घटना में सबसे अहम था सुराग जो कि मोबाइल फ़ोन थे चारों आरोपियों के, वो इसने ललित झा ने जो है नष्ट कर दिए हैं, उसको आग के हवाले कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच करते हुए कोर्ट को बताएगी कि किस शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, और फिर ललित इतना शातिर था कि उसने सुराग को मिटाने के लिए ही उसको नष्ट कर दिया, आग के हवाले कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारों आरोपी हैं जिनको कि शुरू में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन सबके मोबाइल फ़ोन जो थे वो ललित के पास में थे। उसके बाद में ये जो है सीधा बस के जरिए पहुंचता है नागौर, वहां पर फिर इसको महेश मिलता है, महेश इसको शरण देता है होटल में रुकने के लिए, और फिर ये लोग जो है प्लानिंग के तहत जो मोबाइल फोन है उसको जला देते हैं। पुलिस वहां जब मौके पर पहुंचती है, उनसे बात करती है, तो पुलिस उस जगह पर भी गई है जहां पर कि इन्होंने मोबाइल को जलाया था। वहां से पुलिस को कुछ मोबाइल के जले हुए जो अवशेष हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस को कहना है कि उन सबको बरामद करने के बाद में जो FSL है जांच करने के लिए वहां उसको भेजा जाएगा। और इसी के साथ इस पूरे मामले में सबसे अहम जो किरदार था वो था ललित नाम का शख्स, और इसी के साथ जो उसका दोस्त है महेश कुमावत वो भी इसमें शामिल था इस पूरी साजिश के अंदर। और तो कि ये कह सकते हैं कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में 6 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 6 तो अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास हैं, जिसमें कि महेश कुमावत नाम का जो शख्स है वो भी पुलिस के पास में है, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ
पांच आरोपियों को दिल्ली पुलिस अब तक जो है इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। अब जो छह के छह लोग हैं इसमें, जिसमें कि महेश भी शामिल है, इन सबको आमने सामने बिठा करके लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। सामने बैठाकर पूछताछ होगी और नीरज जी, माना जा रहा है कि कोई बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता से विक्रम दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, जो मुख्य आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे संसद में, जिस तरह से ये दाखिल हुए तमाम आरोपी, अब जो ललित झा है उसके तार कहीं ना कहीं कोलकाता से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि ललित झा डेढ़ साल पहले ये कलकत्ता में ही रहते थे। दो जगह पे वो रहते थे, बड़ा बाजार और गिरीश पार्क में। और ये बात दिल्ली पुलिस को पता लगने के बाद कल ही रात को दिल्ली पुलिस की एक टीम वो बंगाल में आ चुकी है और आज कई जने को पूछताछ करने का संभावना है, ऐसे ही हम लोगों को पुलिस सूत्र से पता चल रहा है। जो कि पुलिस सूत्र से जानकारी मिल रहा है कि ललित झा जो कि डेढ़ साल पहले कलकत्ता का बड़ा बाजार में रहते थे, उनका पापा भी वहाँ पे रहते थे, इससे पहले कलकत्ता के बड़ा बाजार के नज़दीक ही गिरीश पार्क बोलकर एक जगह पे वहाँ पे भी वो लोग रहते थे, लेकिन डेढ़ साल पहले अचानक ही दोनों ये ललित झा और उनके पापा दोनों ही गायब हो गए, कहा गए ये किसी को पता नहीं था। और उसके बाद डेढ़ साल बाद संसद हमले का जब घटना घट रही थी, उस वक्त ललित झा का मोबाइल फोन से कई लोगों को कलकत्ते में बंगाल में मैसेज दिया गया, वीडियो मैसेज भेजा गया और बोला गया कि वो वीडियो मैसेज वीडियो क्लिप वो लोग शेयर करें। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे कलकत्ते में बंगाल में पहुंच गई है। जिन लोगों को ये मैसेज दिया गया है उन लोगों से पूछताछ किया जाएगा और उनसे जानना चाहेगी पुलिस कि क्यों उनको ये मैसेज भेजा गया था, क्या कनेक्शन था ललित झा के साथ उनके साथ डेढ़ साल पहले से, क्योंकि पुलिस को जो लग रही है कि ये जो मामला है वो बहुत पहले से ही वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, एक षड्यंत्र कर रहा था, रेकी कर रहा था, इसीलिए प्लानिंग बहुत आगे से ही किया जा रहा था। इसलिए पुलिस को जानना है कि कोई और कोई लोग इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल है कि नहीं, कोई कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि कलकत्ते में बहुत दिन तक ये ललित झा रहते थे, उनके पापा रहते थे, इसके लिए विक्रम हम लौटेंगे आपके पास। नीरज, ये बताइए, जिस तरीके से शुरुआत से ही जी न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, हर खबर को हमने सबसे पहले ब्रेक किया, पहले पांच राज्य पांच किरदार थे इस पूरे प्रकरण में, अब छह राज्य छह किरदार हैं, लेकिन सवाल ये है छह किरदारों के बाद भी सूत्रधार कौन है? अब तक की पूछताछ और आने वाली पूछताछ में खुलासा ये भी बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, अब तक की पूरी जांच को अगर देखा जाए, जिस तरीके से जो लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे अहम जो किरदार है वो ललित झा नाम का शख्स है और इसी के साथ महेश कुमावत है। इन दोनों की प्लानिंग थी, लेकिन आखिरकार इन दोनों को किसने टास्क दिया था या नहीं, इस बात को लेकर के भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो महेश कुमावत के साथ में ललित झा नाम का जो शख्स है, इन दोनों को बताया जा रहा है, इन दोनों की प्लानिंग हुई थी और प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि बाकी जो और आरोपी हैं उनको अलग अलग जो कि टास्क दिया गया था, अलग अलग बताया गया था कि आखिरकार दो लोग अंदर जाएंगे, दो लोग बाहर की तरफ रहेंगे और ललित झा जो है इस पूरे मामले में मोबाइल रिकॉर्डिंग करेगा और आखिरकार जब ये सब लोग मौके से भागेंगे तो आखिरकार शरण को लेकर के जो प्लानिंग की गई थी, आखिरकार कहां पर इनको रुकवाना है और किस तरीके से पुलिस से बचना है, जब पुलिस इनको पकड़ने आएगी तो आखिरकार किस ठिकाने पर जाना है। बिल्कुल नीरज, तो बड़े ही शातिराना अंदाज में देखिए पूरी प्लानिंग ये की गई थी। विक्रम दास, नीरज गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।